जबरदस्त वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। लोकेशन मिल गई थी, चलते चलते मंगाया और फाइल। चल अपनी पहली लोकेशन आज के लिए मोनेस्ट्री कब होगी ये रही अपने पीछे। ये रहा, यहाँ से एंटर कर रहे हो, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब शेप देख रहे हो, इसके अंदर इतनी शेपें लगी हुई है, बस तोड़ के मत खाना तुम, नहीं तो पकड़ लेगा कोई भी। ये दिखा भाई एक स्तूप, शांति स्तूप जिसको बोलते हैं मोनेस्ट्री का। ये है मोनेस्ट्री अंदर से देख सकते हो। लो भाई देख लो, ये थारी मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री। देख लो भाई, दिखा दीजिए क्या पिक्चर लगी शेप है मोनेस्ट्री। इसमें एक जोइन का ऊपर जा रखा, उसका फोटो लगा, पीछे भगवान बुद्ध का फोटो लगा। ये है ज़्यादा इसमें कुछ दीपक वीपक ऐसा कुछ ना होता, बाकी ठीक है। अंदर से बहुत बढ़िया सजावट कर रखी है, अलग अलग कलर के अलग अलग चीज़ें यूज कर रखी है। बाकी चलो निकलते हैं, पड़ा सामान वगैरह लोड करना बाइक पे, फिर चलते हैं अभी। लो भाई जय भोले बाबा का नाम ले गए, चलते हैं। बाय बाय ताबो। लो भाई लड़ लो, लगड़ लिए हैं, अब सीधा रुकेंगे। एक घंटे का रास्ता ज़्यादा नहीं है, 30-35 किलोमीटर है धनखर मोनेस्ट्री। ये वाली तो देख ली कैसी थी, इसमें तो कुछ भी नहीं था यार, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ भाई देखने का। हाँ अंदर सजावट कर रखी थी बहुत अच्छी। चलो बाय बाय ताबो। तो ये है, अगर आप इस साइड आओ तो एक दिन यहाँ पे ताबो में रुक के, और स्पीति जाना ही है तो वो रास्ते में ही है 35 किलोमीटर पे, तो उसके बाद जाना है, सुबह बताया था मैंने आपको, उसके बाद जाएंगे पिन वैली। पिन वैली तो लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, मैंने रात को देख रहा था मैं, उसकी लोकेशन तो है भाई जाने लायक, बाकी जाके पता चलेगा। क्या पेट्रोल डलवाएंगे? इस साइड में है काफी, हम अंदर घुस गए थे, इधर भी है बहुत सारे। स्पीति वाले आगे की तरफ जाओगे तो बहुत सारे होटल है अंदर, तो शायद इनकी इस पे ज़्यादातर होटल है, इस वाले रोड पे होम स्टे होटल जो हमने लिया था। आगे भी तो मिल जाएगी, इनसे पूछता हूँ। पेट्रोल मिल जाएगा क्या भैया? पेट्रोल मिल जाएगा कहाँ पे? ये जो आगे पेड़ है ना, हाँ वहीं पे दुकान है।
अच्छा अच्छा हाँ पीछे रह गया, वापस ले ले। लो भाई वहाँ जाके ले निकल गए हैं। ये देखो स्पीति रिवर बिल्कुल ब्लू पानी है, बिल्कुल ब्लू कलर का। वो रोड देख रहे हो, रोड देख रहे हो कैसे नीचे आ रखा है सारा, सब साइड में कुछ नहीं है, शूटिंग स्टोन एरिया है अपनी सारा। चलो समझदार था गाड़ी वाले। पहाड़ ही अलग तरीके का हम है, ये सारे फिसलने वाले हैं, ये सारे बीच में आ रहे हैं, सब फिसल के आ रहे हैं। इधर एक बार नहीं, एक बार पैर टायर एक बार फिसला ना यहाँ से तो बस फिसला, आदमी नीचे जाएगा। काफी गहरा ये, पता नहीं कैमरे में पता चलता नहीं, पता चलना बहुत गहरा है। तो भाई ये जो रोड मिल रहा है सीधा सीधा, इसमें भी चार तो ऊपर भी जा रही है और कोई नहीं, नजारे देखो ना। क्या हुआ? ये देख कुछ अजीब सा ही वो है। लाट लो देख लो, पिछले आधे घंटे तक इसे रोड पर चलना लग रही है। जो वो ये रोड है जो स्पीति जाओ सीधा, सबसे बढ़िया डिसीजन हमारा था कल का कि कल हम अंधेरा होने के बाद स्पीति के लिए नहीं। इस रोड पे देख लो क्या सेफ्टी है, कुछ नहीं, एक छोटी सी चूप और सीधा नीचे। और ये सारा शूटिंग स्टोन एरिया है, पत्थर गिरते रहते जितने बीच में देख रहे हो जितने पत्थर गिरे हुए वो सारे ऊपर से गिरे हुए। भाई वो एक अमचर लग रहे हैं कंफर्ट कोनर सी, इतनी खड़ी चढ़ाई है ना भाई, इतनी खड़ी चढ़ाई है ना, मोर साइड का गुस्सा लग रहा है कभी इंजन का। तो देखो ये दिखाओ, यह पहले गिर में है, ये तकड़ा थोड़ा सा तो दूसरे गियर तो ऊपर में जाओ है तो अरे सर ये छोटी सी का नीचे है उल्टे 8.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। वहां राइट में नदी दिखा ना वो तो चढ़ी है, सिर्फ ये लगा ले 2 किलोमीटर के ऊपर चढ़े हम, कितनी खड़ी चढ़ाई होगी 2 किलोमीटर। आवाज देख रहे मोटरसाइकिल कैसे चेंज हो गई अपना। इतनी ऊपर जाना है प्राइस रेस है, फुल रेस दे रखी है, देख लो। लो भाई पहुंच गए हैं वारी, देखी भाई साहब 2.5 किलोमीटर तो ऊपर इतना खराब रोड है जो देख रहा है ना ईसा, और ऊपर तो चढ़ाई प्लेन रोड चल रहा है जब तक, तो फिर भी उन्हें ट्रेन घुमा रहा चढ़ा ले तो इस पर तो भाई थोड़ा बहुत उन्हें ट्रेन हो रहा, टायर भी रखता है ऊपर तो खराब रोड इतना। चलो फिलहाल पहुंच गया, करते हैं एंट्री यहाँ। लो भाई देख लो, यह आगे तनखड़ मोनेस्ट्री।
वही है भाई वो लास्ट में बिल्कुल। ये आ गई है पता नहीं इधर ही होगी है ऊपर चढ़ रही है ना यार मोटरसाइकिल पा जा लो भाई चढ़ाई स्टार्ट कर दिया थोड़ा जाना टॉप में पीछे देखते हो खाई कितनी ऊपर आए ज्यादा ऊंचा ना है ये चढ़ जाए फटाफट यार अपनी आदत है बहुत ट्रैकिंग करी है यो तो यो रहा 100-150-200 मीटर होगा बस ठंड धूप में भी बाइक पे ना थाइज सांस तो चढ़ेगी भाई अभी और टॉप पे चलना इधर देख लो भाई बड़ा सराई में रुक गया सांस चढ़ गए थे पीछे का थोड़ा सा आराम से दिखाना पड़ेगा तुम्हें देख पीछे का भी जबरदस्त पूरा दिख रहा है अभी और ऊपर चलना है ये भाई भी आ गया इसका वेट कर रहा था अब चलेंगे भाई बिल्कुल कोने कोने में बना रखा है कहीं ये नीचे तो निगिर जाएंगे है हो भाई साहब चलो लगभग टॉप पे पहुंच चुके यार अपना स्कूल का बेंच भी इधर रखा है बैठ कर अपने व्यू का मजा लो देखो इधर से देख लो व्यू ठीक है अभी पीछे का देखो थोड़ा ध्यान से ये देख लो पीछे का बिल्कुल टॉप पॉइंट पे इस टाइम पे कहाँ से दिखाऊं मैं देखो कहाँ से आए थे बिल्कुल नदी दिख रही है ना वहां से स्टार्ट किया था बाइक चढ़ाना ऐसे घूम घूम के तब ऊपर आए वो रोड दिख रहा है वोरा रोड वो उधर से आए स्टार्ट इस तो ऊपर की एक और लोकेशन मिल गई थी चलते चलते मगाया होते फाइल चल इतना सा के छोड़ना है सब क्यों दिखाते चल रहे हैं भाई नूनी है बाबा की दया है फटाफट चढ़ जाएंगे सारा देख लो भाई ले भाई लड़ लो गड़बड़ हो गई मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं रहा पिंग वैली थी वहाँ से 35 किलोमीटर था तो वहाँ से पहुँचता नहीं पिंग वैली तक भी भाई फिर डिसाइड किया अभी स्पीति काजा ही जा रहे काजा गई फिर स्टे ले वापिस आने का तो देखो बन नहीं रहा क्योंकि 2 घंटे लगेंगे काजा से पिंग वैली के तो देखो क्या करते हैं करेंगे अपडेट
बीच में फिर भी हमने एक जगह एक के पास 2 लीटर ही था, एक एक लीटर डाल लिया था दोनों बाइकों में, लेकिन फिर भी अब ख़त्म होने वाला है। चलो मिलते हैं, जो भी अपडेट होगा बताएंगे। अब दो इतनी दूर आ गए, अब दो हो गई उतने, फिर तो चल सकते थे वहाँ, पहुँच जाते आराम से, वहाँ तो मिल ही जाता पेट्रोल है। चल कोई नहीं भाई, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहुँच गए काजा, ये रहा बस स्टैंड काजा, मनाली 201 किलोमीटर है, लोसर 57, और ये न्यू काजा पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल सीधे इधर। पहले देख लो क्या नाम है, कितने पेट्रोल लगा हमारा, 1200 डलवाया दिल्ली में, फिर उसके बाद 1500 का और डला, 700 750 का दो बार, 1500 कितना हो गया, 1500 1000 2500 2700 200 का एक बार और लगा लो लिया था, 2700 2900 2800 रुपये का, 3000 रुपये के पेट्रोल में भाई काजा पहुंच गए हैं दिल्ली से। और क्या चाहिए यार, बाइक पे अपनी बाइक के ऊपर 3000 रुपये में काजा पहुंच गए, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं, इससे ज़्यादा क्या मज़े हो सकते हैं भाई। अब पेट्रोल पंप ढूंढना है, ये सारा काजा है, एक काजा नीचे था ओल्ड काजा, और ये ऊपर कहाँ रह गया वो पता नहीं, कहाँ तो गया। डोलमा, भाई साहब डोलमा आंटी इतनी फेमस हो चुके हैं ना आज के टाइम पे, उधर तो उसमें पीछे जहाँ ऑस्ट्रेलिया था वहाँ पे डोलमा आंटी सटे, डोलमा आंटी मोमोज, यहाँ पे भी आते ही दिख गया डोलमा आंटी स्टे। मड हाउस द ट्रैवलर शेड, ये रहा भाई, कई बोर्ड लगे हुए हैं, मड हाउस इधर है द ट्रैवलर शेड का। भाई खुशी होती है यार अपने दोस्त का है, दो तीन बोर्ड लगे मिल गए तो और क्या चाहिए यार। आई लव स्पीति भी आ गया है, आई लव स्पीति सबसे, पर बाद में सब कुछ ये रहा, पेट्रोल पंप मिल गया भाई। चलो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको कि पेट्रोल पंप मिल गया है, अभी देखते कितना बचा हुआ था पेट्रोल अपनी बाइक में। देखना ला रहे हो पेट्रोल पंप, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, देख लो एक बार जानते। पर यार टाइम कितना लग जाए नहीं मेरा, 15 मिनट तक हम नो गए यार खड़े, बाकी होटल अभी जाके लेंगे फिर चलते उसके बाद काम हो चलना। पहुंच गया, ये रूम लिया है काजा में, अभी आके लंच कर लिया तो उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, पेट्रोल पंप भी मैं वीडियो डाल दूँ, मिल ही गई होगी पेट्रोल पंप की वीडियो, काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पर। बाकी मैं दिखा देता हूँ, देखो ये सामान बाइकर्स का तो ऐसे ही सामान फैला रहता है, पूरा रूम है अच्छा है, मेंटेन कर रखा है, बाकी ये बाथरूम भी क्लीन है बिल्कुल। बाकी जिस होटल पे रुके उसका नाम है द ट्रैवलर शेड करके, इनके दो होटल है, वो खड़ी उधर बाइक है हमारी बाहर। तो चलो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अभी इधर आसपास घूमेंगे तो उसके लिए नया ब्लॉग आएगा, ठीक है, चलो बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।